दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। हाय विवेक मेरी हाय पत्नी का विवेक जी, अनकंडीशनल नमस्कार। सब ईश्वर की कृपा है। मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट है। जिस दिन से संबंध हमारा जुड़ा था, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, जिस दिन से सगाई हुई थी, उस दिन से उनका अनकंडीशनल सपोर्ट है। जब मैं शराब बहुत कम मात्रा में पीता था तब भी था, जब दिन रात पीने लगा था तब भी था, जब शराब से दूर हुआ आज भी है, और आप सबका साथ। इसलिए आज के दिन से शराब से दूर हूँ, किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं आता। कई बारी मैं एक ही मीटिंग में सुनता हूँ कि आज मैं शराब से दूर हूँ, ये चमत्कार है। मुझे मेरे बारे में ये लगता है कि जिस दिन 21 मई 2019 को मेरी पत्नी ने मुझे रिहैब में एडमिट करवाया था, उससे लेके आज तक कभी एक भी बार शराब का ख्याल नहीं आया। शराब का ख्याल ही नहीं आया तो वो शराब से वो जो लड़ाई है, वो जो समस्या है, वो अभी मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। यह मैं अपने आप में वो बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ ईश्वर की। शायद से वो शराब का अगर कोई ख्याल आता तो शायद मैं भी उससे लड़ाई करने में बैठ जाता। जैसा कि कहा जाता है कि हमको इससे हार मानना है, पर वो ना हार ना जीत वो वाली नौबत नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, जिसके लिए मैं शुरू के कुछ महीनों में ये समझता था कि मैं शायद से सबसे अच्छे से मेरी बीमारी को समझ गया हूँ। ये लोग कैसी बात करते हैं यहाँ पे, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 3 महीने में, कि उसने फिर से शराब पी या उसको शराब का ख्याल आ रहा है। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मेरे दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक ख्याल अपने आप पनपने लगा कि मैं इन सबसे ज्यादा समझदार हूँ। मैंने कभी इस चीज के लिए ये नहीं माना, मैंने कभी उस चीज को ईश्वर की कृपा के रूप में नहीं लिया। मैंने उसको ऐसे समझा था कि मैं इनसे ज्यादा समझदार हूँ, मैंने इनसे ज्यादा तमीज भरे तरीके से शराब पी है, इसलिए मैं आज काफी अच्छे हालात में हूँ। मेरे पास 4 पैसा भी है, पत्नी भी छोड़ के नहीं गई है, मेरे शरीर में भी कोई बीमारी नहीं है। ये एक मेरी अपनी सोच थी। ये सोच का मेरे अंदर बनने का ना कारण ये था कि मैं दोस्तों जब 16 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बताऊं तो पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट कभी भी नहीं था, पर लेकिन मैं अपने पिताजी को देखता था। वो उनका बचपन जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में बीता। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और इसीलिए वो एक बहुत बड़े सरकारी अफसर बने। तो मैं उनकी यात्रा को देखता था। वो कभी अपने बारे में नहीं बताते थे, लेकिन हमारे बाकी रिश्तेदार उनके बारे में बताते थे। मैं उनसे बड़ा प्रभावित होता था। मेरे लिए पढ़ाई का मतलब ये था कि पढ़ाई करो और इस तरह से सब लोगों पे राज करो, ये एक मेरी पॉलिसी थी। तो ठीक है, मैं पढ़ता गया। अब वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे पर मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, और उनकी अचानक से डेथ हो गई। मैं 12वीं में था और फिर उसके बाद मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, और उसके बाद में मैं कॉमर्स में आ गया। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर एक से एक डिग्रियां लूंगा, क्योंकि डॉक्टर तो मैं बन नहीं पाया, तो मैं दूसरी डिग्रियों सारी जो ऊंची ऊंची देश की जो डिग्रियां हैं वो ले लेके मैं लोगों पे राज करने का काम करूंगा। ये एक मेरी अपनी सोच थी। ईश्वर की कृपा थी, तो सब कुछ जिस तरह से मैं सोचता था वो वैसे चलता गया। फिर मेरे दिमाग में एक नए तरह का फितूर आया कि जब मैं कॉमर्स के फील्ड में कोई बड़ी प्रोफेशनल डिग्री लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे साथ वाले उसी प्रोफेशनल डिग्री से संबंधित प्रोफेशन में चले जाते हैं। वो उस डिग्री को करते ही इसलिए हैं कि उनको उस प्रोफेशन में जाना होता है। मैंने सोचा अगर ये मैं भी अगर इनकी तरह करूंगा तो फिर इनमें और मुझ में अंतर क्या रहा, क्योंकि मुझे तो राज करना था ना, मुझे तो बड़ा बनना था, तो मैं इनसे कुछ अलग करूंगा। तो मैंने ये किया कि मैंने वो डिग्री भी ली, लेकिन मैं उस प्रोफेशन के अंदर नहीं गया, ये दिखाने के लिए कि मैं तो इतना सक्षम हूँ कि मैं इस डिग्री का मोहताज नहीं हूँ और मैं तो अपना व्यापार करूंगा। अगेन फिर वही बात कि ईश्वर की कृपा थी। मात्र 21 साल की उम्र में मैंने अपना व्यापार शुरू किया। माँ से कहा था कि आप कुछ पैसे दे दीजिए, उन्होंने मना किया। इस बात का मुझे बड़ा उनके प्रति रिसेंटमेंट था कि मैं इकलौता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे माँ पैसे देने को तैयार नहीं। तो मैंने जैसे तैसे अरेंज किया और अपना काम चालू किया, चलता रहा। और कुछ ऐसा था कि शुरू के 1.5-2 साल में ही जितनी सफलता की मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक मुझे सफलता मिली। ये सब बातें है ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
मैं अपनी आप भी थी ये सुनाना चाहता हूँ कि कैसे मेरे दिमाग में ये चीज बस गई कि मैं सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग एंड गॉड इज नथिंग। मेरा फंडा ये हुआ करता था कि गॉड इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ईश्वर सिर्फ एक इत्तफाक है, वो है ऊपर एक शक्ति है, पर वो जो अच्छा या बुरा इत्तफाक होता है ना उसको हम ईश्वर के नाम से जोड़ देते हैं। ये एक मेरी अपनी फिलोसफी थी, और जैसे जैसे सफलता मुझे मिलती गई ना मेरी ये फिलोसफी और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। अब सफलता तो मिल रही थी और कभी कभार छोटी मोटी असफलताएं भी मिलती थी, तो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जो है वो सिर्फ इत्तफाक है, अच्छा इत्तफाक हो जाता है तो लोग ईश्वर ईश्वर करते हैं, जो भी कुछ है वो अपनी मेहनत करने से ही होता है, अपने दिमाग के बलबूते पर ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां भी मुझे असफलता मिलती थी ना वहां पे मैं तुरंत ईश्वर को ब्लेम कर देता था। तो मेरे परिवार वाले ये कहते भी थे, यार तू बड़ा अजीब है, खुशी के समय तो तू कभी ईश्वर को पूछता नहीं है और दुख होता है तो तू ईश्वर को ब्लेम करता है। खैर कुल मिला के बात ये थी कि मेरी सफलता का ग्राफ ऊपर चल रहा था ना, तो फिर मुझे किसी से क्या मतलब है। ऐसे ही करके जब मैं 26 साल का था तब मैंने पहली बार शराब पी, सिर्फ ये सोच के कि मुझे वो सब कुछ करने का हक है जो किसी भी सफल व्यक्ति को होता है। मेरी उम्र के लड़के मेरे साथ वाले तो अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सफल हो चुका हूँ, ये तमगा ना मैंने अपने आप को ही दे दिया था। तो मुझे सब कुछ करने का हक है इसलिए मैंने शराब पी। जाहिर सी बात है बहुत अधिक मजा आया और फिर वो चलती रही, और 38 साल की उम्र जब मेरी हुई इन 12 सालों में शराब का कोटा तो बढ़ गया था, लेकिन कोई ऐसे ब्लैकआउट होना या फिर कोई किसी से झिक झिक होना, मगरमारी होना, ऐसी कोई चीजें कभी नहीं होती थी। तो मेरी पत्नी को भी इतना शराब पीना चलता था। हाँ वो ये जरूर बोलती थी कि विवेक जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, जबकि ये कम होना चाहिए। आप 30 के हो रहे हो, 35 के हो रहे हो, 38 के हो रहे हो तो आपकी कैपेसिटी कम होना चाहिए। लेकिन फिर 38 से लेकर 41 साल की उम्र, ये तो मेरी शराबियत के अभी तक के जो आखिरी के 3 साल थे, उन 3 सालों में शराब मैं दिन रात पीने लगा, और फिर आखिर में 2019 में ऐसी हालत हो गई कि मैं 24 घंटे नशे में ही होता था, और फिर इसीलिए मेरी पत्नी को मुझे रिहैब में डालना पड़ा। अब आगे की बात पर मैं आता हूँ कि ये जो ईश्वर के प्रति बात थी ना, तो यहाँ पर मुझे ईश्वर के ऊपर फेथ होने लगा था, क्योंकि जिस समय मैं दिन रात शराब पी रहा था ना मैं खुद उससे परेशान था। तो मैं घर में जहाँ मंदिर होता है मैं वहां बैठ के अकेले में रोता था, क्योंकि अगर पत्नी के सामने मेरे आंसू निकलेंगे तो वो फिर मेरी शराब पे और बंदी लगाएगी, पत्नी को ये लगने लगेगा ये इंसान तो बहुत कमजोर हो गया है। तो मैं अकेले में चुप के रोता था और ईश्वर से मैं सौदेबाजी किया करता था कि आप मुझे कैसे भी इससे निकालो। और जब मेरी पत्नी ने मुझे रिहैब में डाला, मुझे ध्यान है अच्छे से शायद 10 या 12 घंटे बाद पत्नी के प्रति खुन्नस जो है ना वो मेरी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, क्योंकि जिस समय रिहैब के अंदर कदम रखा था तब पत्नी पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या किया मेरे साथ, ये तो इन्होंने धोखा किया मेरे साथ। लेकिन फिर वो मुझे ख्याल आया इस तरह का कि यार यही तो मैं मांग रहा था शायद ईश्वर से, शायद से ईश्वर का यही तरीका था, कि और कोई तरीका तो मुझे समझ में आया नहीं। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत सारी कोशिशें की थी, पूरी ईमानदारी से कोशिशें की थी, मैंने तो पत्नी को खुद ये भी कहा था कि डार्लिंग मुझे ताले में बंद कर दो, और चाहे मैं अंदर से कितना भी ताला पीटूं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करूं, तुम किसी को मदद के लिए बुला लेना लेकिन दरवाजा मत खोलना कि मैं शराब से। और ये तरीका उन्होंने कई बार अपनाया और ये तरीका कुछ दिनों के लिए सफल भी रहा, वो 2-3 दिन तक दरवाजा नहीं खोलती, और 2-3 दिन में शराब की जो शारीरिक तलब है यानी कि जो फिजिकल क्रेविंग हम कहते हैं वो मेरी समाप्त हो जाती थी। और फिर नंबर आता था मेंटल ऑब्सेशन का, वो हम सब जानते ही हैं है ना, मैं उससे पीड़ित होता, फिर कभी 5 दिन बाद 15 दिन बाद में फिर से शराब मेरे हाथ में आ जाती। ठीक है अब ये बात कोई मैं कोई ऐसी बहुत अलग बात नहीं बता रहा हूँ, ये हम सब भाइयों में से अधिकतर के साथ में यही कहानी है। पर है ना बात ये थी कि एक चीज जो मुझे अब अपने बारे में समझ में आती है कि ये ईश्वर के प्रति जो मेरे विश्वास जो बनता है ये इतनी जल्दी डावाडोल कैसे हो जाता है। जब तक मैं सफलता के झंडे गाड़ रहा था तब तक मुझे ईश्वर पे कोई भरोसा नहीं था, जब पूरी तरह से शराब ने तोड़ दिया तब फिर मैं ईश्वर ईश्वर कर रहा था। जब मैं रिहैब में गया तो वहां पे जाके कोई बहुत खुशी तो नहीं मिल गई थी मुझे, क्योंकि भाई आपने मुझे किसी जेल जैसी जगह में बंद कर दिया है तो खुशी की बात तो नहीं थी, लेकिन ना कम से कम ये संतोष था। तब मैं बीमारी को समझता नहीं था तो मुझे लगा था कि ये शराब का तो अब अपने काम की छुट्टी हो गई है,
तो मुझे लगता था ये शायद इसका यही तरीका है। तो एक संतोष सिर्फ ये था कि चलिए अब शराब की समस्या पे तो ब्रेक लगा है, अब यहाँ से निकलूंगा और 6 महीने तक अपने हेल्थ पे काम करूंगा, थोड़ी बॉडी बॉडी अच्छी बना लूंगा, समाज में जो खोई हुई इज्जत है उसको दोबारा हासिल करूंगा और साधारण तरीके से शराब पीऊंगा। रिहैब में ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में पता पड़ा और ये दुख भरी खबर उस समय, क्योंकि मुझे ये खबर सुन के बहुत दुख हुआ था, ये खबर मुझे सुनने को मिली कि भाई आप कभी भी अब आजीवन आप कभी भी शराब को हाथ नहीं लगा सकते। जैसे ही मुझे ये खबर मिली ना, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, तुरंत भगवान का जो शब्द है वो मेरे दिमाग से फिर से गायब हो गया था कि ईश्वर ने अगर मुझे इस तरीके से दूर करना था तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो फिर ऐसे मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए तो बंद कर दो अंदर ताले में, वो अपने आप शराब नहीं पिएगा, तो फिर इसमें ईश्वर ने कौन सी बड़ी कृपा की? कृपा तो तब होती जब मैं यहाँ से निकलता और मैं सामान्य तरीके से शराब पी सकता होता, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर से वो जो ईश्वर पे जो आस्था वाली बात है मेरी, वो एक तरह से काम चलाऊ ही थी। तो ईश्वर को मैं सिर्फ तब तब याद करता था जब जब रिहैब में किसी तरह की कोई पनिशमेंट वाली बात होती थी, तो मुझे लगता था कि इस चीज में मेरा नाम नहीं आए, मुझे कोई सजा नहीं हो, मुझे खाने में खाना नहीं मिले, मुझे अकेले कमरे में डाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो, हे भगवान हे भगवान। तो ये तो वो बातें थी कि जो बचपन से मुझे घर में भी बताई जाती थी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। वो चीज को मैं कभी समझ ही नहीं पाया यार, वो ए में आके है ना मुझे उस चीज का वास्तविक मतलब ये समझ में आया कि मैं ईश्वर से अगर हमेशा मांगता ही रहूंगा, मुझे ये दे दो वो दे दो, मेरा ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो, तो ईश्वर मुझे वो ही देंगे जिस चीज के लिए जिस समय में जितना लायक हूँ। क्योंकि एक इंसान होने के अलावा जो मेरी जो स्पेशलिटी है ना, जो मेरी खासियत है कि मैं एक शराबी हूँ, तो मेरी चाहतों का मेरी मांगों का तो कोई अंत है ही नहीं। मेरा बस चले तो मैं तो ये मांग लूंगा कि हे ईश्वर मुझे बिल गेट्स बना दो और मेरी बॉडी जो है वो अर्नोल्ड टाइप की बना दो, ऐसी बना दो कि 5-10 को तो मैं उठा के पटक दूं, अमीर भी बना दो, ताकतवर भी बना दो, हैंडसम भी बना दो, मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। तो बात यह है कि अगर मैं हमेशा ईश्वर से मांगता ही रहूंगा तो शायद से ईश्वर मेरी वो इच्छाओं को पूरी भी करें, लेकिन वो पूरी तब करें जब मैं अपने जीवन को उस हिसाब से बनाऊं जैसा कि वो चाहते हैं। जैसे कोई बंदा है, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो आर्मी के जो ऑफिसर थे ना, मैं उनको देख के बड़ा प्रभावित होता था, क्या लाइफ है यार, मजा आ गया ये वो। तो मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि तुम इनकी लाइफ को देख के जो आकर्षित होते हो ना, इस लाइफ को हासिल करने के लिए पहले वो करना पड़ेगा जो इन सब ने किया। मैं मेरे पिताजी के जीवन को भी देख के बहुत ज्यादा आकर्षक होता था, सफेद रंग की एम्बेसडर कार होती थी और वर्दी वाला ड्राइवर होता था, तो मैं ये देखता था कि मेरे पास भी ये सब होगा। तब भी उनका जवाब ये होता था कि इसके लिए मैंने जो किया था, अगर वो आप करोगे तो आपको भी ये चीज मिलेगी। इन चीजों को सुन के मैंने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। इनकी इम्पोर्टेंस पहली बार तब समझ में आई जब बिग बुक में इस लाइन को पढ़ा था। कौन सी बार? चौथी बार। क्योंकि जब मैं 90 दिन रिहैब में था तब 2 बारी मैंने पूरी बिग बुक को पढ़ लिया, तब ये बात समझ में नहीं आई थी। जब वो स्पॉन्सर के साथ में पढ़ी ना, तब ये बात समझ में आई कि भाई वो पहले कुछ 100 लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमने किया है अगर आप भी वो करोगे तो निश्चित रूप से आपको वो मिलेगा जो हमको मिला है। अब मेरे दिमाग में बात यह, यार ये बात तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अगर आप किसी को देख के फैंटेसाइज कर रहे हो, मतलब कल्पना लोक में जा रहे हो कि यार मेरी जिंदगी भी ऐसी हो, मेरे पास भी ऐसा पैसा हो, मेरे पास भी इतने ऐशो आराम हो, तो आपको वो भी करना पड़ेगा जो उसने किया था। लेकिन अब बात यहाँ पे आ जाती है कि मैं एक शराबी हूँ, मैं एक साधारण इंसान तो हूँ नहीं, मेरे अंदर शराबियत की बीमारी है, तो मैं सिर्फ किसी भी व्यक्ति को देख के वैसी की वैसी नकल नहीं कर सकता। उसने जीवन में जो मुकाम हासिल किया है, उस मुकाम को हासिल करने अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है मैं इतनी अति में चला जाऊं कि कभी भी मैं अपने सामान्य जीवन में लौटना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए मुझे बैलेंस बना के रखना जो है ना, पहले वो यहाँ पे ए में सीखना पड़ेगा। अब जब बात जब स्टेप पर की आई ना, तो मेरे दिमाग में ये था कि क्या स्टेप पर करना आवश्यक है। तो स्टेप पर के लिए भी मेरे दिमाग में, मैं अगर पूरी ईमानदारी से बताऊं
तो मेरे दिमाग में था कि मैं जिस भी विषय में घुसता हूँ उसका पूरा ज्ञान मुझे होना चाहिए। तो इससे फर्क मुझे क्यों करना है? क्योंकि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में पूरा पूरा ज्ञान चाहिए। पूरा पूरा ज्ञान क्यों चाहिए? ताकि मेरे बाद में जब कोई नया शराबी आएगा तो मैं उससे वो ज्ञान को बघार सकूं, मैं उसको बता सकूं कि देख मैं तेरा सीनियर हूं, मैं तुझसे कहीं ज्यादा ज्ञान रखता हूं, तुझे मुझे सैल्यूट करना चाहिए। ये एक मेरी मानसिकता थी। फेलोशिप में मैं किसी को कह तो नहीं सकता ऐसा, लेकिन हाँ मन में मेरे ये वाली बात हुआ करती थी। फिर कुछ साथियों का रिलैप्स देखा और आखिरकार मैं जब स्टेप वर्क में आया, स्पॉन्सर मिले, उनके साथ में शुरू किया, तब जो ईश्वर पे आस्था वाली बात थी ना, जो अभी जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही वहां पे मेरा मामला गड़बड़ था, जब वो वहां पे बात आई तो फिर मेरे अंदर एक डर सा समाने लगा था कि यार ये यहाँ पे तो मेरी सोच किसी से भी मेल ही नहीं खाती है। ये अगर आस्था के ऊपर इतना जोर देंगे, ईश्वर पे अगर अपने से अपने से भी बड़ी एक शक्ति, एक उच्च शक्ति, अच्छा उच्च शक्ति क्या होगी, इसके लिए मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैंने ये माना कि भाई मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ, तो जो ईश्वर हैं, हम जिनको अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, भगवान, वो ही मेरी उच्च शक्ति है, तो उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन अब उनके ऊपर मैं पूरी तरह छोड़ दूं, ऐसा तो मैंने कभी आज तक नहीं किया, और अगर उन पे पूरी तरह छोड़ना है तो फिर उनकी सारी बात मानना भी पड़ेगी। यहाँ पे बस मुझे सबसे ज्यादा समस्या थी, क्योंकि तो मुझे ये लगता था कि मैं अगर पूरा उनकी इच्छा के अनुसार हो जाऊंगा तो जीवन मेरा जीने लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि तो मेरा जो आकर्षण था ना, वो मेरी जीवन शैली, मेरा उस टाइम का जो लाइफ स्टाइल था, उस लाइफ स्टाइल में से अगर 24 घंटे शराब पीना हटा दो तो मुझे लगता था ये मेरी सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल है, इसको मुझे चेंज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, आई लव्ड इट, ऐसी वाली बात थी। तो अगर इनकी बात मानी गई, अगर वो गॉड्स विल से मैंने सेल्फ विल को मिलाने की कोशिश की, तो मेरी ये वाली जो दिनचर्या है ये खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्त, मेरा कपड़े पहनने का तरीका, मेरा घूमना फिरना, मेरा बात करने का तरीका, मेरा रवैया, मेरा घमंड, मुझे मेरे घमंड पे भी घमंड था, मैं इसको ऐसे कहूंगा, मैं लोगों को ये कहता था कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर घमंड है तो घमंड के लिए मैंने कुछ किया भी है, मैंने जो हासिल किया है उसके लिए अगर मुझे कुछ घमंड है तो ये घमंड मुझ पर सूट करता है, मुझ पर फबता है, ये मेरे शब्द मेरे दोस्तों को मैं कहता था। तो इसीलिए उसमें चेंज करने के लिए ना मेरे साथ ये समस्या थी। लेकिन जब लोगों को देखा, फेलोशिप में लोगों को देखा कि यार जब दोबारा किसी मेंबर के हाथ में, मैं मेंबर क्या बोले, किसी भी शराबी के हाथ में, जिसको मेरे जैसी शराबियत की बीमारी है, उसके हाथ में जब शराब आती है तो उसकी क्या स्थिति हो जाती, तो फिर वो डर लगना स्वाभाविक था। धीरे धीरे वो खुद के प्रति जो ओवर कॉन्फिडेंस था, अति आत्मविश्वास, वो कम होने लगा। यार जिन लोगों को मैं बहुत तुर्रम खा मानता हूँ कि अरे ये मेंबर तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, अरे ये तो पैसे वाला है, अरे ये तो पढ़ा लिखा है, अरे इसकी तो उम्र ज्यादा है, बच्चा सा नहीं है, तो ये तो कभी रिलैप्स नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसे भी कुछ लोगों के साथ में हुआ तब लगा यार जब ये रिलैप्स हो रहा है तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। तब मजबूरी में आके ना इस चीज को मानने के लिए पहल शुरू करना पड़ी, जिसमें ऑब्वियसली बात है स्पॉन्सर ने मुझे ये चीज करवाई। तो सबसे पहले है ना उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी समस्या क्या है, आप ईश्वर को मानते हो लेकिन ईश्वर की नहीं मानते, आपके अपने आपकी अपनी एक फिलॉसफी है, आपने नैतिकता का अपना एक पाठ बना रखा है, आप उस पाठ को फॉलो करके, उस पाठ का रोज जप करके समझते हो कि आप बहुत ज्यादा नैतिक हो, दार्शनिक हो, धार्मिक हो, आस्थापूर्ण व्यक्ति हो। जैसे कि मसलन अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं तो मेरे लिए एक मेरा नैतिक उसूल ये था कि कभी किसी गरीब का पैसे के मामले में फायदा नहीं उठाना, मतलब अगर कोई गरीब है, कमजोर है, तो उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, जो कुछ भी मैं पैसा कमाऊं वो किसी को किसी की मजबूरी का फायदा उठा के नहीं कमाऊं। तो ठीक है जी, मैंने ऐसा किया भी नहीं, लेकिन इस चीज को मैंने ऐसा मान लिया कि मैं बहुत ज्यादा नैतिक इंसान हूँ, जबकि जीवन के दूसरे कई पहलुओं में मैं अनैतिक काम कर रहा था। मैं जब किसी
शॉपिंग मॉल में पत्नी के साथ में जाता था तो वहां पे दूसरी कई लड़कियों पे मेरी नजर पड़ती थी। और कई बारी ऐसा भी हुआ कि मैं पार्किंग में भी उनके पीछे पीछे गया, मैंने वहां पे गाड़ी का नंबर भी देखा, ये भी पता लगाने की कोशिश की कि लड़की कहाँ रहती है, किस कॉलेज में है या फिर कहाँ पे है, कहाँ पे नौकरी करती है, किस घर से है, फिर उससे संपर्क करने की कोशिश की। मेरी नैतिकता इसमें यह थी कि मैं किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। मैं अगर किसी के साथ में भी मेल जोल बढ़ाता हूँ तो रजामंदी से बढ़ाता हूँ, इसमें अनैतिक तो कुछ है ही नहीं। ये मेरी परिभाषा थी। आज उस परिभाषा के बारे में सोचता हूँ ना तो हंसी आती है। एक और उदाहरण मैं इसका बताता हूँ क्योंकि वो ईश्वर से ही संबंधित। मैंने मेरे पिताजी को देखा बचपन से कि उन्होंने कभी वो पूजा पाठ नहीं करते थे। सवेरे उठते से ही वो भगवान को हाथ जोड़ते थे 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद नहाने करके आके फिर भगवान को 2 मिनट हाथ जोड़ते थे, और रात को सोने के पहले फिर 2 मिनट हाथ जोड़ते थे। जबकि मेरी मॉम जो थी वो अत्यंत धार्मिक स्त्री थी। वो सुबह सुबह 5 बजे उठती थी, वो कॉलोनी में घूम घूम के फूल तोड़ना, फिर वो भगवान के लिए माला बनाना, हफ्ते में 3 या 4 दिन तो उनके व्रत उपवास होते ही थे, ऐसे करके वो बहुत कुछ किया करती थी। मैं मेरे लिए ना तो पिताजी आदर्श कोई बहुत बड़े आदर्श थे, ना कोई माँ बहुत बड़ी आदर्श थी, इस मामले की बात कर रहा हूँ धार्मिकता के मामले। लेकिन मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से पिताजी की धार्मिक आस्था को चुना, क्योंकि माँ वाली धार्मिक आस्था में तो मुझे दिक्कत थी ना, उसमें उसे सुबह 5 बजे उठना है, उपवास वगैरह करना है, कभी ये नहीं खाना है, कभी एक टाइम नहीं खाना है, मंदिर भी जाना पड़ेगा, ऐसा सब मेरे को समस्या थी। तो मैंने पिताजी वाले रास्ते को अपनाया। जब पिताजी वाले रास्ते को अपनाया, सफलता मुझे मिल ही रही थी, तो मैंने अपने अंदर ये एक उसूल बना लिया, अपनी एक फिलोसफी बना ली कि ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको किसी मंदिर वंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक भी चलिए एक बार के लिए ठीक है, पर मेरा दिमाग ये कहने लगा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग गलत हैं, वो लोग ढोंगी हैं, या फिर वो लोग अज्ञानी हैं, डरपोक हैं। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि एक तो मेरी खुद की आस्था में गड़बड़ है, और दूसरी बात यह है कि मैं दूसरों की भी आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। मतलब ये गड़बड़ बहुत ही ज्यादा थी। तो जब सबसे पहले ये बात समझ में आई ना कि मेरी नैतिकता, मेरे आदर्श, ये मेरे बनाए हुए हैं, ये मेरे काम नहीं आएंगे। बिग बुक में वी एग्नोस्टिक, हम अज्ञेयवादी चैप्टर में जहाँ पे ये लाइन लिखी थी ना, तो मैं अगर बताऊं ईमानदारी से तो उसके पहले के जो अध्याय हैं उनको पढ़ के भी मुझे ये लगता था कि हाँ यार इससे मेरी कहानी मिलती है। लेकिन किसी भी लाइन में ये जो लाइन थी कि मेयर कोड ऑफ मॉरल्स और अ बेटर फिलोसफी ऑफ लाइफ वर नॉट सफिशियंट, सिर्फ नैतिकता और दार्शनिकता की जो बातें थी मेरी खुद की बनाई हुई वो सफिशियंट नहीं रही, वो मतलब मेरे लिए ये काफी नहीं थी। ये लाइन जो थी ना इसने सबसे ज्यादा, एक तरह से मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मेरी कमजोर नस पे हाथ रख दिया था यार, ये क्या बोल दिया इन्होंने, यही कि यही तो शायद मेरी समस्या है, क्योंकि ये जो प्रारूप था ना ये प्रारूप मेरा बनाया हुआ था। तो अब इससे फिर एक बात ये क्लियर होने शुरू हो गई कि यार जो मुझे बार बार बात कही जा रही है कि इसको अगर तुम अपने हिसाब से करोगे, इसमें अगर तुम सेल्फ हेल्प चलाओगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लेकिन अब बात वहां पर आ रही थी कि गॉड्स विल से मेरी सेल्फ हेल्प को मिलाने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगी, जो त्याग करना पड़ेंगे, उन त्यागों को करने को मैं तैयार नहीं। मतलब अभी शराब की तो बात बाद में थी, क्योंकि उस समय मुझे उस समय तक भी, जब ये जिस समय ये स्पॉन्सर के साथ में मैं बिग बुक को पढ़ रहा था, उस समय शराब का कोई ऐसा आकर्षण ऐसा कोई था नहीं मेरे दिमाग में, शराब पीने का कोई ख्याल भी नहीं आता था, और कोई ऐसा आकर्षण की भी बात नहीं थी कि कोई परेशानी हो रही है। तो मेरी समस्या अब ये आ रही थी कि इन चीजों को, इस लाइफ स्टाइल को मैं छोड़ने को तैयार नहीं था। तो अब मेरे मन में आ गया कि जिस तरह से शराब एक तरह से मेरे लिए समस्या बन गई थी, जेल, पागलखाना या मौत, वो तीन ही मेरे अंत हैं, वहां पर मुझे ले जाएगी अगर मैं शराब से दूर नहीं हुआ तो। मुझे लगा यार ये तो साला फिर से वही की वही बात अब आ गई ना, कि पहले वो शराब से मैं दूर हुआ, अब ये कह रहे हैं कि अब तुमको तो अपना लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। अब है ना यहीं पे मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो एक तरह का एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि
धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक दिन करके मेरी सोबरेटी में समय आगे निकल रहा था, मुझे ये कहा गया कि जितने समय से आप सोबर हो, जिस समय मुझसे ये बात कही गई उस समय मुझे सोबरेटी में तकरीबन 7 महीने हो गए थे। तो मुझसे कहा गया कि जितने कुछ समय से आप सोबर हो, तो मैंने बताया हाँ भाई मैं 7 महीने से शराब से दूर हूँ। तो उन्होंने बोला ये 7 महीने आप लो, और इसके पहले के 7 महीने लो, मतलब वो वाले नहीं, वो वाले 7 महीने नहीं जब मैं तड़प रहा था, वो 7 महीने जब आपकी गजब की अय्याशी और ऐश और सब कुछ चल रहा था, जब शराब आपके काबू में थी, जब आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आ रही थी, उस समय को लो और इस समय को लो, इसमें और उसमें आप मेन अंतर क्या देखते हो? तो मैंने जो है ढेर सारे वो बता दिए कि भाई मैं शराब की पार्टियों वगैरह में नहीं जा सकता हूँ, और मुझे बार बार ये चेतावनी दी जाती है, तो मेरी तो जिंदगी एक बंद रेलवे का एक जो बंद डिब्बा होता है उसमें बंद व्यक्ति की तरह हो गई है, मेरी जिंदगी में कोई मजा नहीं रहा। तो मुझसे फिर उन्होंने मुझे समझाने के लिए कहा कि क्या आपने परिवार के साथ कभी इतना टाइम बिताया, क्या आपको पहले कभी ऐसा हुआ कि आपको मरने का डर नहीं सता रहा हो? मन का नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले मुझे ये लगता था यार शराब जो पी रहा हूँ, लाइफ को जिस तरह से मैं समझता था कि मैं एकदम अपनी गाड़ी को टॉप गियर पे चला रहा हूँ, उस तरह की जो जिंदगी है यार इसमें कभी कोई दिक्कत हो सकती है, ये सब बातें मेरे दिमाग में पहले आती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जीवन काफी शांत सरल सिंपल सा हो गया है। तब है ना एक बात ये दिमाग में आई कि यार क्यों मेरे दिमाग में ऐसा है कि जीवन में खतरा होना चाहिए, जीवन में उठापटक होनी चाहिए, जीवन अगर सरल हो तो इसमें समस्या क्या है? कुछ तब एक चीज समझ में आई कि दरअसल है ना मेरी सोच ही विकृत है, मेरे सोचने का तरीका ही ऐसा है कि सिंपल बातें हैं, सिंपल सा जीवन मुझे रास नहीं आता है। ये ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे कभी इस चीज से नहीं रोका कि मैं बड़े बड़े टारगेट ना बनाऊं, मेरे एम्बिशन नहीं हो, मेरे उद्देश्य नहीं हो, ऐसा ये ने कभी नहीं बोला। मुझे ये समझाया गया कि आप जिस तरह से अपने लक्ष्य के पीछे भागते हो, आप अपना सब कुछ अपने काफी पीछे छोड़ देते हो, और जब आप उन सब कुछ को काफी पीछे छोड़ते हो तो उसमें सोबरिटी का भी पीछे छूटने का खतरा होता है, क्योंकि ये जो लक्ष्य के पीछे सब कुछ छोड़ के भागने में होता ही है कि जिन सिद्धांतों को मुझे अमल में लाना है, जिन बातों को मुझे ख्याल में रखना है, मैं उन बातों को ख्याल रखने से चूक जाता हूँ, और जब मैं चूक जाता हूँ तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि शक्तिहीनता के एहसास को मैं कब भूल चुका हूँ, और उसके एहसास को भूलना मतलब कि जो पहला कदम है मेरा उसी को भूलना, बेसिक सी जो थिंग है कि हाँ मैं शक्तिहीन हूँ, इस चीज को अगर मैं भूला तो फिर शराब मेरे हाथ में आने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो तब फिर एक बात ये समझ में आई कि यार उस चीज शक्ति के ऊपर अपने आप को छोड़ना है ना, इसका भी एक तरीका है कि सबसे पहले मैं ये देखूं। अभी जैसे मैं वापस वो बात करता हूँ कि मुझसे ये पूछा गया कि पहले के 7 महीने और अब के 7 महीने, तो मुझे एक चीज ये समझ में आया कि जिस समय मैं लाइफ को टॉप गियर पे जी रहा था, जो जो हरकतें मैंने उस समय पे की थी, ये मैं फिर से बताऊं कि ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब शराब पे मेरी निर्भरता नहीं थी, उस समय भी मैंने लाइफ में काफी उठापटक मचाई, काफी खतरे मोल लिए, लेकिन मैं जिंदा रहा, मैं स्वस्थ रहा, मुझ पे और मेरे परिवार पे किसी तरह की आंच नहीं आई। इसके बाद में वो दौर आया जब मैंने बेहिसाब शराब पी, कांड मैंने सब भी किए, लेकिन मुझ पर और मेरे परिवार पे अगेन फिर से कोई भी आंच नहीं आई। तो अगर ये कोई आंच नहीं आई तो क्या ये सब इत्तफाक था? लेकिन फिर एक बात यहाँ पे आती है कि ये सब इत्तफाक नहीं हो सकता, क्योंकि इत्तफाक एक बार होता है, दो बार होता है, इतनी इतनी सारी बार इत्तफाक नहीं होता, वो भी कई सालों तक। तो इसका मतलब कोई उच्च शक्ति है, कोई शक्ति है जो मुझे बचा रही थी। तो सबसे पहले है ना किसी उच्च शक्ति पे विश्वास हो मुझे, मैं उसके ऊपर अपने आप को निर्भर बना पाऊं, तो इसके लिए सबसे पहले जो मुझे ये बात समझ में आती है वो ये कि मेरा उस पे विश्वास अच्छे से होना चाहिए। तो वो विश्वास तब हो पाएगा जब मैं उसके लिए आभारी हो सकूंगा। भाई अगर मैं ये मानूंगा कि हाँ इन्होंने ये काम अच्छा किया है, ये इनकी वजह से हुआ है, तो ही तो मैं अगली बार के लिए मेरे किसी काम के लिए उन पर अपने आप को सौंपने के लिए मैं तैयार बनूंगा। मेरी पत्नी अगर खाना अच्छा बनाती है और अगर मैं उनके लिए आभारी हूँ कि हाँ ये खाना बहुत अच्छा बनाती है,
इस आभार के कारण से अगली बार मेरे अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि कल मेरी पत्नी ने खाना अच्छा बनाया था तो आज भी खाना अच्छा बनाए। अगर मुझे कुछ भी टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस जैसी कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर मुझे कहता है कि आपको परहेजी खाना खाना पड़ेगा, और अगर मेरी पत्नी बिल्कुल वैसा का वैसा परहेजी खाना बनाती है, ये ध्यान रखते हुए कि इनको खाना ठीक से खवा भी जाए, भा भी जाए, हल्का फुल्का सा मसाला भी उसमें हो और परहेज भी हो जाए और पेट भी भर जाए, जब वो मुझे ऐसा खाना बना के देंगी तो मेरे मन से उनके लिए आभार निकलेगा कि यार अगर मैं अस्पताल में होता तो वहां तो कैसा बीमारों की तरह वाला खाना मिलता, शायद वो मेरे गले भी नहीं उतरता। अगर मैं इस चीज को स्वीकार कर पाता हूँ कि हाँ यार मेरी पत्नी नहीं होती तो मुझे वो सड़ा खाना मिलता। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो रिहैब में मुझे रोज 2 बार मेरी पत्नी की याद आती थी, दोपहर का खाना और रात का खाना, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी के अलावा किसी के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, तो बस वो 2 बार ही आभार आता था। ये बात अलग है कि रिहैब से जब मैं आया तो वो आभार जो है वो खत्म हो चुका था, क्योंकि अब तो मैं घर पर आ गया था ना, अब तो वो मेरे बिना मांगे थाली मेरे सामने आ जाती थी। तो बात यह है कि जब तक अगर वो मेरे अंदर एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड नहीं आता ना, आभार की भावना, तब तक मेरा वो फेथ बन नहीं पाता है। तब अभी जैसे मैंने बताया ना कि वो 7 महीने वाली बात, तो ऐसे करके ना मुझे बताया गया कि आपको एक ही आदत डालनी पड़ेगी कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक घटना में जो भी आपके साथ में रोज घटित होती है, उसमें आप ये सोचिए कि अब जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, अब आप इसके अनुसार अपने फैसले आपको लेना है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो भी आप टेक इट टू मेक इट करो, लेकिन आप अपने फैसलों को इस तरह से लो और फिर इसके नतीजे देखो, और फिर इसी घटना को कंपेयर करो कि जब आप अपनी वाली चलाते थे, जब आप अपनी सेल्फ विल चलाते थे, तो भले ही से, तो मुझे ये समझ में आया कि भले ही से अपने सेल्फ विल चलाने से तुरंत निकट भविष्य में मुझे अच्छे नतीजे दिख जाते थे, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हमेशा मेरे लिए दुखदायी ही रहे। तो ऐसा करके ना अगेन इसमें वो वाली बात आ जाती है, अज्ञेयवादी वाली बात, कि मैं अज्ञेयवादी इस तरह का कि मुझे तो दिन भर में अगर 10 तरह की अलग अलग घटनाएं हो रही है तो मैं उन 10 तरह की घटनाओं को टेस्ट करके देखने लगा था कि अगर इसमें मैंने अपनी सेल्फ हेल्प चलाई होती तो क्या होता, और 10 में से अगर 2-3 घटनाओं के लिए मुझे ऐसा लगता कि यार ये तो है ना, मैंने वो जैसा स्पॉन्सर बोल रहे हैं उनकी राय को मान लिया, फंस गया मैं, अगर मैं इसमें अपने मन से करता तो मेरा ये फायदा हो जाता, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण बहुत ही छोटा था। आई वॉज क्लोज माइंडेड, मैं सिर्फ एकदम निकट भविष्य को देख पाता था, लंबी दूरी के लिए उसका परिणाम क्या होगा मैं ये नहीं देख पाता था। पर जब मुझे ये 2-3 परिणाम भी ऐसे लगते थे ना कि यहाँ पे मैंने सेल्फ हेल्प चलाई होती तो अच्छा होता, तो मैं उन 7 एपिसोड्स को भूलने की कोशिश किया करता था। मुझे आज समझ में आता है ये है मेरी बीमारी, ये एक तरह से जिद की भी बीमारी है, क्या कहूँ मैं इसके बारे में, ये जिद की बीमारी है, ये भूलने की बीमारी है, अपने आप पे अति आत्मविश्वास आने की बीमारी है, इतनी सारी चीजें ये लेके आती है। इसका मुझे सरल सा रास्ता बताया जा रहा था कि ईश्वर की इच्छा के साथ में अपनी इच्छा को मिलाओ, मतलब कि बिग बुक में। अब ईश्वर की इच्छा कहाँ से आएगी, ये मेरा प्रश्न था। तो भाई मुझे बताया गया कि एक सिंपल सी बात है, 12 कदम में जिस तरह से अपने ऊपर काम करने पे जोर दिया जा रहा है, आप उस तरह से काम करो, अगर आप उस तरह से काम करते हो तो मतलब आप ईश्वर की इच्छा पे चल रहे हो। जब आप ईश्वर की इच्छा पे चलोगे तो आपका आध्यात्मिक विकास अपने आप हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास के लिए आपको कहीं स्पेशली जाके पीटी परेड नहीं करना पड़ेगी। ये एक मुझे बात अच्छी लगी। उसके बाद में ना धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अनुभव पे अनुभव आते गए, तो एक बात मुझे ये भी एक लगी कि किसी के लिए अगर मेरे मन में कोई आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मैं उसके ऊपर अपने आप को कभी छोड़ नहीं सकता। साधारण सी बात है, मैं जब छोटा सा था तो पापा के साथ कहीं भी अगर घूमने वगैरह जाता था तो ये हमेशा सुपर कॉन्फिडेंस होता था कि पापा साथ में हैं तो मतलब अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो जगह भी सबसे अच्छी होगी, वहाँ का खाना भी सबसे ज्यादा अच्छा होगा, अगर हम कहीं होटल वगैरह गए हैं तो वहाँ का पलंग भी अच्छा होगा, वो जगह भी मेरे लिए एकदम सुरक्षित होगी। क्यों था ऐसा? क्योंकि मैं भले ही एक अज्ञेयवादी हूँ लेकिन मेरे दिमाग ने कई बार ये परख लिया था कि
कि अगर मैं पापा के ऊपर अपने आप को छोड़ता हूँ तो मैं हमेशा सुखी रहता हूँ, मैं फालतू की चिंताएं फालतू के बंधन में इनसे मुक्त होता हूँ। मतलब ये चीज पहली बार समझ में आई मेरे पिताजी वाले एग्जाम्पल से कि अगर किसी उच्च शक्ति पे निर्भरता है तो दरअसल मुझे इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ ना तो वो मुझे स्वतंत्रता मिल जाती। बस करना ये है कि मुझे मेरे जो पुराने फितुर हैं उनसे मुझे हटना है, और ये फितुर जो है ना ये बहुत जल्दी हट जाते हैं जैसे जैसे मुझे ये दिखने लग जाता है कि मैं अगर ईश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाता हूँ तो मेरा काम ज्यादा अच्छे से होता है। भले इसे अभी निकट भविष्य में मुझे उसके नतीजे से संतोष नहीं हुआ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है और एक बड़ा सुकून वाली चीज आ जाती है। क्योंकि फेथ की तो बात मतलब ऐसी है, अब जैसे मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए ये बोलूं कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय पे जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज में उस समय के लोगों को विश्वास नहीं था, उनको ये लगता था कि ये जो इंग्लैंड वाले लोग हैं ये हमको दबाते हैं, ये हमको कुचलने का काम कर रहे हैं, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। देखा जाए तो आज हमारे जो भारतीय लोग हैं आज वो सरकार को चला रहे हैं, उतने साल पहले वो ब्रिटेन वाले सरकार को चला रहे थे, तो वो भी तो इंसान ही थे, लेकिन उन इंसानों पर हमारे देश के लोगों को आस्था नहीं। इसलिए हमारे देश के लोग जो उस समय के बुजुर्ग थे, मतलब जो उस समय के लोग थे, वो ये महसूस करते थे कि हम गुलाम हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर मेरी जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, अगर उसके ऊपर मेरी आस्था है कि हाँ ये जैसी भी है ये कुल मिला के अच्छा काम करेगी, तो मैं अपने आप को आजाद कहता हूँ। मैं आज ये थोड़ी ना बोलता हूँ कि मैं आज भी गुलाम, पर अगर एक तरह से देखा जाए तो मेरी जो सरकार है मैं निर्भर हूँ उस पर। कोई पड़ोसी देश अगर आक्रमण करता है, कहीं पे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसके लिए मैं कुछ अपनी तरफ से कदम थोड़ी ना उठाता हूँ, सरकार जो कदम उठाती है मैं उस पर निर्भर हूँ। मतलब मेरी अगर सरकार पे आस्था है तो ये एक तरह से मुझे स्वतंत्रता मिल रही है ना, मुझे स्वतंत्रता इस बात से मिल रही है कि मुझे कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा पड़ोसी देश कब क्या करेगा, कौन सा आतंकवादी कहाँ पे बम फोड़ेगा, कौन सी प्राकृतिक आपदा है वो मुझे मार तो नहीं डालेगी, कोरोना जैसी बीमारी आएगी तो मेरा क्या होगा। मैंने इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार पे छोड़ रखी है, मुझे बस ये करने की आवश्यकता है कि मेरी शक्ति मेरा सामर्थ्य और मेरी बुद्धि इसके हिसाब से मैं अच्छे से अच्छा वो प्रयास करूं जो मेरी सरकार मुझसे उम्मीद रखती है। मतलब अगर मैं सरकार की बात करता हूँ तो मैं देश में जो नियम कानून है मैं उनका पालन करूं, ईमानदारी से टैक्स वगैरह भरूं, तो ये हो गई मेरी जिम्मेदारी, और आगे मैं उनके ऊपर छोड़ दूं। फिर यहाँ पे बात मुझे समझ में आती है कि यही तो बात मुझे सिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि ईश्वर मुझसे जिस तरह का जीवन चाहते हैं मैं उस तरह से चलूं, और उसके बाद में मैं ईश्वर पे छोड़ दूं। तो ये जितनी भी चिंताएं हैं, बंधन हैं, कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, कल को कोरोना वापस तो नहीं आ जाएगा, कल को वो इनकम टैक्स का जो रेट है वो बढ़ेगा कि घटेगा, महंगाई का क्या होगा, सोने के भाव का क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरी सोबराइटी का क्या होगा, इन सब के बारे में मेरी सारी चिंताएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। और तब ना मैं दोस्तों अपने आप को मानता हूँ सही मायनों में हैप्पी, जॉयस और फ्री। ये मेरा अति आत्मविश्वास नहीं, ये दरअसल इस बात का संतोष है कि हाँ जो मुझसे कहा जा रहा है वो मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ। तो मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से मैं अपने आप को ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने अपने आप को ईश्वर पे निर्भर बना दिया। तो निर्भरता का मतलब ही यह है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनके ऊपर एक बोझ बन गया हूँ, जिस तरह का जीवन उन्होंने मुझसे जीने के लिए कहा मैं उस तरह से जी रहा हूँ। मतलब उनके बनाए हुए रूल, एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि ये एक रूल बुक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इस कोड ऑफ कंडक्ट को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा जीवन बिल्कुल सटीक शानदार रहेगा। जैसे भारतीय सेना में अगर कोई बंदा एंटर होता है उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो उस ट्रेनिंग के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देता है अपने आप को, कि जो ट्रेनिंग मुझे यहाँ पे दी गई है, जो हथियार मुझे यहाँ पे दिया जाएगा, उससे पूरी कुशलता से और सामर्थ्य से मैं दुश्मन का सामना कर पाऊंगा। उसके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता है कि मुझे भारतीय सेना के अलावा भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके भी ट्रेनिंग लेना चाहिए, इन्होंने तो मुझे जो सिखाया वो नाकाफी है, इसमें तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता उसके साथ, वो अपना आपको पूरी तरह से छोड़ता है उनको।
तभी वो एक काबिल इंसान बन पाता है। तो ये वो उदाहरण है जो मैं रोजमर्रा में देख पाता हूँ। तो बस बात यहीं पे आ जाती है कि इस चीज को अगर मैं ईश्वर से जो मेरा कनेक्शन है ना, अगर मैं उसमें भी डाल पाता हूँ तो मेरे लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। अभी जैसे मैं अगर आज ही की बात बताऊं तो मैं हाल फिलहाल इंदौर में नहीं हूँ। आज सुबह मैं मेरे शहर से निकल के कहीं और आ गया। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बेटी क्योंकि अभी 14 साल की है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। तो कई बार ये होता है कि वो बेटी को पढ़ाई के लिए हम कहते हैं कि पढ़ लो, वो उस चीज को टालती है, कल पढ़ूंगी, शाम को पढ़ लूंगी, परसों पढ़ लूंगी। तो मैं जब आज घर से निकल के आया तो निकलते निकलते मैंने मेरी पत्नी को कहा कि अगर आप इसको बार बार पढ़ाई का बोलो और अगर ये ना पढ़े तो आप इसको ईश्वर पे छोड़ देना। मेरी पत्नी जो है उन्होंने भी ऐसे सर हिला दिया। उसके बाद जब मैं इंदौर से निकल गया, 3-4 घंटे बाद में मैंने वापस मेरी पत्नी को पूछा कि वो उसके साथ में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपने उसको कुछ डांटा वगैरह तो नहीं? तो मेरी पत्नी ने मुझे जो जवाब दिया ना, उससे मुझे फिर से एक बार समझ में आ गई कि यार मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ने की पाठ तो बहुत लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या मैं खुद छोड़ पाता हूँ क्या? मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप मुझे बोल चुके हो एक बार कि ईश्वर को छोड़ दो, फिर आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? अब मुझे बात समझ में आई कि मैं अगर वहां से बाहर आ गया हूँ, मैं अगर अपने घर से बाहर आ गया हूँ तो मुझे इसको ईश्वर पे ही छोड़ना पड़ेगा, मेरी पत्नी के माध्यम से। तो इस चीज को बोलना मेरे लिए आसान हो जाता है, लेकिन इसको दिन भर के कई सारी घटनाओं में, जीवन के प्रत्येक पहलू में इसको मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मेरे ख्याल से ये जितना हमको प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है ना कि एक दिन का प्रोग्राम है, वो सब बातें यही तो है यार, इसको मुझे हर दिन अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ना मेरी ये प्रैक्टिस खत्म होने लग जाती है। जैसे ही कोई अच्छा काम होता है तो वो मैंने किया है, और अगर कोई खराब हुआ है तो वो फिर ईश्वर की वजह से हुआ है। तो बात यह है कि जब बात की जाती है ना कि द ए वे ऑफ लाइफ स्टाइल, वो ए वे ऑफ लाइफ स्टाइल, ए का जीवन जीने का तरीका, इसमें मुझे अपने आप को ढालना पड़ता है। ये ऐसे नहीं आ जाएगा, तो ये आएगा तभी जब मैं इसको करने की एक आदत की बना लूंगा, तो फिर वो बात खत्म हो जाएगी कि जहां मैं कहता हूँ कि ऐसा मुझे करना पड़ता है, वो चीजें मेरे अंदर से नेचुरली आने लग जाएंगी। और जब ये सुधार मेरे अंदर आते हैं ना, तो अपने आप यार, मैंने ये मेरा स्वयं का अनुभव है, उसके बाद में जब मैं बिग बुक को पढ़ता हूँ ना, तो उसका मुझे एक अलग ही अर्थ समझ में आता है। शुरू में हर चीज मुझे थोपी हुई लगती है। जब ये चीज है ना, मतलब थोड़ा सा जो मेरे अंदर की गंदगी है या फिर जिद है या फिर जुनून है, इनमें धीरे धीरे जैसे जैसे कमी आती है ना, बिग बुक के अक्सर मुझे ऐसे लगते हैं यार कि ये तो मुझे आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, एक सही सोच में मेरे अंदर बन पाती। नहीं तो क्या है, मेरी आदत वही है आर या पार वाली। पहले मैं ये मानता था कि नहीं, स्टेप पर की कोई आवश्यकता नहीं। फिर जिस दिन से मैंने स्पॉन्सर लेके शुरू किया, तब से मैं ये ढिंडोरा पीटने लगा, स्टेप पर करो करो नहीं तो मर जाओगे। हर किसी को, किसी को 1 दिन हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 महीना हुआ है, सब जगह मेरा एक ही था, करो करो नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे जाके ना, थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ के, कई सारे मेंबर्स की शेयरिंग सुन के, ये समझ में आया कि यार कई तरह की भ्रांतियां भी हैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है, जैसे कि 90 डेज 90 मीटिंग। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आई कि यार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई नया मेंबर आएगा वो 90 दिन तक मीटिंग आएगा, उसके बाद में उसका स्टेप पर शुरू होगा। यार अगर कोई 90 दिन तक सोबर ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा उसका? ये मेरा अपना, अब मुझे सोबराइटी में अभी कुछ 3.5-4 साल हुए हैं, मेरे होम ग्रुप में जितने मेंबर्स को मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से कम 15 से 20 गुना मेंबर्स ऐसे हैं जो मेरे सामने आए और चले गए। उनमें से कई तो शायद से ऐसे होंगे कि अगर अब कभी वो मुझे दिख जाए तो मैं उनको पहचान भी नहीं पाऊंगा कि ये सदस्य, ये इंसान जो है, ये कभी मीटिंग में आया था, नाम तो वो बहुत दूर की बात है। तो फिर उनके साथ में क्या हुआ? वो कुछ दिन आए थे, 5 दिन 6 दिन 15 दिन 1 महीना वो आए, लेकिन फिर उसके बाद में वो कभी भी नहीं आए। तो ये जरूरी नहीं है, मुझे ये चीज भी समझ में आई। मैं किसी के लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको स्टेप पर कब करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
मुझे तो भाई सिंपल सी एक बात समझ में आती है कि बिग बुक लिखने वालों ने ये लिखा कि हम कुछ 100 लोगों ने इसको किया है, और हम अगर एक दूसरे से बात करते ही रहते और ये किताब नहीं लिखते, तो उस 1,000वें आदमी तक या उस 1,00,000वें आदमी तक, कान से उसके बाद पहुंचने तक हमारा जो मैसेज है वो क्या का क्या हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए हमने इसको एक लेख के रूप में, एक 164 पन्ने की किताब के रूप में अपने संदेश को लिखा है। तो जिस समय पे, इसीलिए ना बड़ा एक सिस्टमेटिक बिग बुक में दिया हुआ है, उसको अगर मैं बिना पढ़े किसी की सुनी सुनाई बात पर जाता हूँ तब मेरी सोच गलत बन जाती है। बिल्कुल अच्छी तरह से ये लिखा हुआ है कि जब एक इंसान को एक आध्यात्मिक अनुभव होना शुरू हो जाता है, जो कि एक चमत्कार के रूप में सफेद लाइट आ जाए, ऐसा नहीं जरूरी है कोई, कि अधिकतर लोगों को ऐसे कोई लाइट वाइट से नहीं हो जाता है ना, वो उनको धीरे धीरे वो आध्यात्मिक अनुभव आता है। उसके बाद में जब उस इंसान को ये लगना लगे कि हाँ वास्तव में मैं बीमार हूँ, मैं इसके लिए शक्तिहीन हूँ, ये बात गारंटेड है, बस वो समय है सही मायने में उसका स्टेप पर तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। मतलब उसको लेश मात्र भी कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, हाँ मैं कभी भी शराब नहीं पी सकता, अब ये तो तय है। हाँ लेकिन मेरे हाथ में गलती से शराब ना आ जाए, इसके लिए मुझे मीटिंग्स में जाना जाना जरूरी है और 12 कदमों को समझना जरूरी है। दोनों काम को बराबरी से समझना मुझे जरूरी है। जब ये मानसिकता उसकी बन जाती है तब उसका स्टेप पर कोई तुरंत जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। बात जब है ना कि ये चीजें मेरे को समझ में ही तब आ पाती हैं यार, कि जब मेरे अंदर वो गंदगी, ग्लानी है, फिर खुन्नस की भावना है, फिर मेरा जो दिमाग जो बंद था हमेशा से, वो जब तक खुलना नहीं शुरू होता, इन बातों को समझने के लिए जगह ही नहीं थी। जब जगह होगी तब तो मैं इनको खुले मन से समझ पाऊंगा ना, उसके बिना तो मेरी जो पुरानी सोच का जो धर्रा था, कोई भी नया विचार आता था उसी पैटर्न पे वो आगे बढ़ता था। तो चीजें अगर उसी पुराने पैटर्न पे आगे बढ़ेंगी तो काम कभी नहीं बने। एक और चीज, बस मैं एक और एक अपना छोटा सा जो है विचार वो बोल के मेरी शेयरिंग को खत्म करूंगा। जो विचार मेरे पर्सनली बहुत काम आया है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, स्टिक टू द विनर। मैं शुरू में समझता था कि भाई स्टिक टू द विनर से मतलब हमेशा ओल्ड टाइमर्स के साथ ही रहो, हमेशा बस उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहो, तो मैंने भी ये करना शुरू किया। तो ओल्ड टाइमर्स ने मुझे बताया कि भाई ये जो तुम करते हो ना, सर जी सर 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 आप महान हो सर, मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ सर, आप तो बड़े प्रेरक हो, ये तुम चापलूसी कर रहे हो। अगर सही मायने में इसका शब्द का, इस लाइन का मतलब जानना चाहते हो, स्टिक टू द विनर, तो विनर वो है, विजेता वो है जो अपनी बीमारी को स्वीकार करने को स्वीकार कर चुका है और जो एक बताए हुए रास्ते पे चलने को तत्पर है। अब भले ही फिर उसको सिर्फ 1 महीना हुआ हो, उसका अभी स्टेप पर जस्ट अभी शुरू हुआ हो, या फिर अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, लेकिन उसकी मानसिकता है शुरू करने की, वो स्पॉन्सर को ढूंढ रहा है, वो भी व्यक्ति विजेता है, और जिस व्यक्ति को 25-50 साल हो चुके हैं वो तो विजेता है ही। तो मेरी संगत ऐसे लोगों के साथ में हो, एल्कोहलिक्स एनोनिमस में खास तौर से, मैं उन लोगों से बात करूं जो कि एक ही प्रोग्राम को फॉलो करने के इच्छुक हूँ, जो मुझे शॉर्टकट का रास्ता बताएं, मैं उनसे बच के रहूं। यहाँ पर भी एक बात मुझे मेरे बचपन की जो सीख दी गई थी ना उससे समझ में आई। मुझे बचपन में सिखाया जाता था कि बेटा ऐसे लड़कों के साथ में रहोगे जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी इच्छा है पढ़ने की, तो तुम पढ़ाई में अपने आप अच्छे से अच्छे बनते चले जाओगे। हालांकि ऐसा 100 में से 100 बार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये एक आम देखा जाता है ऐसा। जैसे लोगों के मैं साथ में रहता हूँ मेरी वैसी भी मानसिकता बनने लगती है, संगति वाली ये बात है। तो कोटेशंस बहुत सारे हैं ए में, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सोब्रेटी के जिस समय पे, जिस मकाम पे मेरी मानसिकता जिस हालत में है, मेरा दिमाग कितना खुला है कितना बंद है, मुझे उसी के हिसाब से वो चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं हमेशा ये ध्यान में रखूं कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है यार, और जो मैंने अभी सीखा है इसमें भी कुछ और गुंजाइश हो सकती है। तो आज के दिन अगर मेरे अंदर पूरी ईमानदारी है तो मैं इस बात को किसी और से भी डिस्कस कर लूंगा, इसके बारे में किसी और से भी पूछ लूंगा, बजाय अपने आराम अपनी सुविधा के हिसाब से उसका मतलब निकालने के। बस मैं इतना बोल के अपनी शेयरिंग को समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
पैनियर ग्रुप का, देवेंद्र भाई का, अनंता जी का, ये आपने भी बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार।